यस BITSAT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखिए इन पेपर्स का पर्पज़ क्या है। इन पेपर्स का पर्पज़ है क्योंकि आपका अभी एग्जाम आने वाला है, ऐसे में ये क्वेश्चन जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट नंबर वन कि आपको समझ में आएगा कि BITSAT में स्कोर करना कोई टफ नहीं है, काफ़ी ईजी है अगर आप एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में अगर स्टडी कर रहे हैं। और स्पेशली क्योंकि BITSAT देने में आप कहीं ना कहीं JEE मेंस ऑलरेडी रह चुके हैं तो JEE मेंस से लेवल कम ही होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अभी जो भी सेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन, उन सबको जरूर देखिएगा, वो आपके स्कोर्स में एकदम से इंप्रूवमेंट ला देंगे। जैसे अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करवाया था, अब मैं आपको कैलकुलस का, एलजेब्रा का, 2D का, वेक्टर का, इन सब का रिवीजन करवाऊंगा, वो देखिए। क्विक रिवीजन लिए थे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, उसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम के अलावा प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको। तो अगर ये सेशन अब तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। और अगर आपने इन सेशंस को बहुत अच्छे से देखा और जो क्विक रिविजन्स करवा रहा हूँ और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इन सबको अगर आपने प्रॉपरली अटेंड कर लिया तो मैं श्योर हूँ कि आप मैथ्स में 45 में से 45 और LR के जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो भी पूरे पूरे कर पाएंगे, क्योंकि मैं अभी आपके साथ LR के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू जीरो एंड द सर्कल। क्वेश्चन काफी सिंपल है, अगर हम लॉजिकली सोचे तो ये एक सर्कल है जो कि पासिंग थ्रू ओरिजन है और जिसका सेंटर 0, -2 पे नीचे बनेगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पर y इक्वल टू माइनस एक्स दिया है, मतलब एक इस तरह की लाइन है। तो एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन बतानी है जो कि इनके इंटरसेक्शन से जा रहा। अब अगर लॉजिकली देखें, देखिए इतना टाइम आपको नहीं यूज अपना वेस्ट करना है कि सही डायग्राम में अगर आप जाओगे तो कई बार हमारा टाइम निकल जाता है। अब आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते थे, अब आपको पता है, और आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। y की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ एक्स, y की वैल्यू माइनस ऑफ एक्स रख देंगे तो क्या हो जाएगा, या x की वैल्यू रख दीजिए माइनस ऑफ y, तो क्या होगा, y² + y² + 4y = 0, यानी एक y कॉमन। वैसे भी पता है एक पॉइंट तो ये 0, 0 हो गई, एक पॉइंट और निकालना। देखिए 2y² + 4y = 0, यानी आपने 2y कॉमन लिया तो y + 2 = 0, यानी इसके कोऑर्डिनेट होंगे y की वैल्यू -2 और y की वैल्यू अगर आप -2 रख देंगे तो x की वैल्यू होगी 2, राइट, क्योंकि वैसे भी फोर्थ कोऑर्डिनेट में है ये। अब आप ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कर रहा है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। अब जैसे यहाँ पर रखा x की जगह 2 रखा तो 4 × 2 कितना हो गया 8, ये नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर रखा आपने y की, x की जगह रखा कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो y इक्वल टू आ गया +-2, यानी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, देन दिस इज द राइट आंसर। यानी अगर आप लॉजिक से करेंगे क्वेश्चन तो मैं आपको बोलूंगा आप जल्दी कर पाएंगे। बोला है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड द सर्कल, यानी एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन बतानी जो कि इस लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, द पॉइंट 4-3 विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स 4x² + 5y² = 1 इज। देखिए आपको एक इलिप्स का क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन है समझें, x² / 1/4, एक तरह से y² / 1/5 = 1। अब आपको बोला है ये पॉइंट कहाँ पर लाए कर रहे हैं। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है, 3 पॉसिबिलिटी होती है, एक इनसाइड, एक ऑन द और एक आउटसाइड। इसका सीधा लॉजिक है, अगर पॉइंट रख दें <0 आए तो इनसाइड, इक्वल टू आए तो ऑन द और ग्रेटर देन। अब इसमें एक आंसर ये भी दिया है, इस फोकस ऑफ द कर्व। अब पहले हम ये पॉइंट रख के देख लेते हैं, अपने आप ही समझ में आ जाएगा जब आप रखेंगे तो 4 × 4² कितना हो गया 16 + 9 × आप जब ऊपर जाएगा तो ये 5 हो गया, तो 9 × 5। अब ये देखें तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब, पॉजिटिव का मतलब हो गया कि आउटसाइड द एलिप्स, ये पॉइंट जो है एलिप्स से कहीं बाहर है, इसलिए ये आउटसाइड द एलिप्स आ रहा है। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और BITSAT में मैं फिर बोलूंगा क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, NCERT की बुक अच्छे से करिए, और ये सेशंस आपके स्कोर्स बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी जो सेशन मैं ले रहा हूँ वो सारे सेशन जरूर देखिएगा, आपके स्कोर्स में एकदम चेंज आ जाएगा। अब देखिए क्या, इफ a = i + 2j - 3k, b = 3i - j + 2k, देन एंगल बिटवीन a + b and a - b, सिंपल सा लॉजिक है। आपको a + b एक वैक्टर है, डायरेक्टली कोशिश करिए कि कम से कम स्टेप में करें क्वेश्चन i j - k, और जब a - b की बात करेंगे
तो माइनस ऑफ 2i प्लस ऑफ 3j माइनस ऑफ 5k। अब इसका एंगल पूछा है तो डायरेक्टली देखिए कितना हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 3 प्लस 5, यानी ये मिला 0, 0 मिला तो कितना हो गया 90 डिग्री। पूरा करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले हमेशा ही देखना चाहिए कि a डॉट b क्या आ रहा है, क्योंकि a डॉट b से आपको काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन मिल जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि a डॉट b ये आया तो ये काम हो गया हमारा। अब ये a डॉट b 0 मीन्स वैक्टर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर ये कुछ और आते तो हम मॉड a मॉड b का डिवाइड करते, यानी छोटी छोटी स्टेप्स भी अगर आप सेव करते हैं तो आप अपने अटेम्प्ट बढ़ा सकते हैं। और बिट्स में एक इंपॉर्टेंट बात है कि बिट्स प्लानिंग के लिए आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए आपके अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा राइट होने चाहिए। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या क्वेश्चन है। लेट एस बी अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, सेलेक्ट टू सबसेट ए एंड बी ऑफ एस एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए यूनियन बी एस एंड ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर हम वैल्यू लेके करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन का आंसर रेशियो में होना चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दो के चांस तो खत्म हो गए, यानी अब बचा ये। अब एन की वैल्यू अगर सपोज आपने 2 ली तो 1/2 मिलेगा या 1/4, यानी आप चाहें तो एन की वैल्यू 2 से भी समझ सकते हैं, 3 से भी समझा सकता हूँ। जैसे सपोज आपने एस लिया 1 एंड 2, यानी एन 2 लिया, तो इसके अगर मैं बोलूं कि सबसेट कितने बनेंगे तो आप बोलेंगे 5, 1, 2 एंड 1, 2। तो सबसे पहले अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, तो डिनोमिनेटर में कितने केस आएंगे, देखिए ए में ये 4 में से 4 में से कोई भी हो सकता है, बी भी 4 में से कोई भी हो सकता है, ये हो गया। अब मान लीजिए कि ए एम्प्टी सेट है तो बी क्या होगा, 1, 2, बिकॉज ए यूनियन बी होना चाहिए एस और ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होना चाहिए। अगर ए सपोज 1 है तो बी क्या हो सकता है, 2। सपोज ए 2 है तो बी क्या हो सकता है, 1। और सपोज ए 1, 2 है तो बी क्या हो सकता है, एम्प्टी सेट। यानी ऐसे 4 केस बने, राइट, ऐसे 4 केस बने, तो 4 से 4 कैंसिल तो बचा 1/4। अब n के प्लेस पे 2 रखिए, देखिए कौन सा आंसर 1/4 आता, तो यहाँ रखा तो यही 1/4 है, यानी दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर n की वैल्यू 3 लेते थोड़ा और टाइम बढ़ जाता। मैं हमेशा बोलूँगा जब भी ऑप्शन से करो तो आप पहले ऑप्शन में जो वैल्यू ले रहे हो वो चेक कर लो कि उससे कोई दो ऑप्शन मैच तो नहीं हो रहे हैं, और सबसे लीस्ट वैल्यू लोगे तो सबसे लीस्ट टाइम लगेगा। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा 1 प्लस कॉस का थीटा 4 साइन 4 थीटा 4 साइन 4 थीटा 1 प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 0 देन साइन 4 थीटा। अब इसमें हम एंगल लेके भी कर सकते हैं और विदाउट एंगल करें तो देखिए क्या कर सकते हैं। सिंपल सिस्टम देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपके पास दिख रहा होगा, इसको मैं इसमें ऐड करूं तो ये मिलेगा 2, ये भी मिलेगा 2 और ये मिलेगा 1, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, ये ऐसे ही है कॉस का थीटा, ये 1 प्लस कॉस का थीटा और ये कॉस का थीटा है, ये 4 साइन 4 थीटा है, ये 4 साइन 4 थीटा है, ये 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा है। क्यों ना हम कुछ एलिमेंट्स को जीरो बना लें। जीरो बना लें मतलब अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूँ तो ये देखिए क्या होगा, एडवांटेज 2। आप कोशिश करिए कि ये स्टेप ना लिखो, यहीं कहीं लिख दो आप 0, इसको माइनस किया तो 1 और इसको इससे माइनस किया तो 0, यानी एक तरह से केवल एक ही एलिमेंट बचा। अब चाहो तो इसको भी इसके साथ माइनस कर सकते हो, बट 2 टाइम के साथ माइनस करेंगे, तो 2 टाइम के साथ माइनस करा तो ये एक एलिमेंट और 0 हो सकता है, राइट। अगर मैं इसको इसके 2 टाइम के साथ, और नहीं तो ऐसा भी लिखा रहने चलेगा। अब डिटर्मिनेंट में आपने पढ़ा है किसी, अब केवल इस 1 के लिए ही सॉल्व होना है, तो इस 1 के लिए ही होना है, तो इस रो और कॉलम को छोड़ दो तो देखो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 8 साइन 4 थीटा माइनस ऑफ 4 साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। यानी लॉजिकली देखें तो 4 साइन 4 थीटा इक्वल टू माइनस 2, यानी साइन 4 थीटा इक्वल टू माइनस 1/2, ये ऑप्शन माइनस 1/2 होगा, तो साइन 4 थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, यानी आपने इस 1 के लिए ही सॉल्व कर दिया। तो जितनी स्टेप सेव करोगे उतना आपका अटेम्प्ट बढ़ता जाएगा, राइट। टारगेट ये होना चाहिए कि अगर आप पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ तो एडिशनल 12 क्वेश्चन मिले, बट वो उसी कंडीशन में जब आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो, अदरवाइज आप उस एडिशनल क्वेश्चन के चक्कर में ये ना हो कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन गलत कर दो। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।